अब जे अपना सामान यहाँ से मंगवा रहा है। दामिनी अकेले में खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही है। अंजना भी सोच रही है कि जिंदगी उसे क्या दिन दिखा रही है। पहले वरुण से डिवोर्स लिया, शशांक से रिश्ता बनाया, संभोग किया और फिर आज उसे छोड़कर वापस वरुण के साथ है। ये जिंदगी भी कैसे कैसे दिन दिखाती है। सिद्धि मिहिर के और अपने साथ के फोटोज मोबाइल में देख रही है। उसे नहीं मालूम कि उसे क्या करना है। मेहर बार बार उमंग को मैसेज कर रही है। उमंग शॉन के सामने रो रही है। वो कहती है कि उसकी लाइफ कितनी मेस्ड अप है। वो शॉन को गले लगा के फूट फूट कर रोती है। अब दोनों ने डिसाइड किया है कि ये हमेशा दोस्त ही रहेंगे। इधर वरुण आर्या के साथ ड्राइंग बना रहा है। अंजना भी यहाँ मौजूद है। इन शॉर्ट ये फैमिली टाइम बिता रहे हैं। तभी काव्या आ गई। अंजना ने उसे अंदर आने दिया। काव्या कहती है कि वो वरुण से अकेले में बात करना चाहती है। अकेले में वरुण से कहती है कि उसके बच्चे आरव ने जो पहला वर्ड बोला वो पापा था, जबकि वो मामा वर्ड चाहती थी। अंजना ड्राइंग रूम में आर्या के साथ है, पर वो बड़ी टेंशन में है। न जाने क्या होगा, कहीं वरुण काव्या के साथ चला न जाए। वो इनकी बातें छिपकर सुनती है। काव्या वरुण से कह रही है कि वो वरुण को बहुत मिस करती है, वो उसे ले जाने आई है। वरुण उसे हग करता है और कहता है कि वो भी काव्या को बहुत मिस करता है। अंजना इनकी बातें सुनकर इमोशनल हो रही है। वो जानती है कि वरुण अब उसे छोड़कर जाने वाला है। सिद्धि से स्नेहा कह रही है कि तुम अपने राइटिंग कोर्स के लिए फिर से अप्लाई कर लो, तुम अपना करियर देखो, चली जाओ न्यूयॉर्क, मैं अकेले रह लूँगी। सिद्धि ने जब राजन का जिक्र छेड़ा तब स्नेहा ने कहा कि राजन का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अंजना वरुण का सामान पैक कर रही है, पर आर्या को कैसे बताया जाए कि वरुण यहाँ से जा रहा है। अंजना आर्या से बात करने जाती है। उसने आर्या को समझा दिया। आर्या कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ये सब कुछ समझती हूँ। वरुण को लिफ्ट में जाते हुए जब अंजना देखती है तब इमोशनल होती है, पर अब ये चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। उमंग को आज की सुबह बड़ा सरप्राइज मिला है। समारा कपूर उसके दरवाजे पर है। वो एकदम से उसके घर में घुसी और कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रही। वो उमंग पर इल्ज़ाम लगाती है कि कम से कम उसे बताती कि उमंग को और भी अटेंशन की ज़रूरत है, मैं उसे दे देती, पर क्यों शादी तोड़ दिया, ये अच्छा आइडिया नहीं था। उमंग कहती है कि उसने कई बार समारा को बताया था, पर समारा ने कभी उसकी नहीं सुनी। यहाँ दोनों एक दूसरे पर शिकायतों की बौछार करते हैं। उमंग कहती है कि उसे समारा की गर्लफ्रेंड या समारा कपूर की वाइफ नहीं बनना है, उसे उमंग सिंह बनना है। यहाँ समारा उमंग को किस करने लगी। दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बना रहे हैं। ठीक इसी समय दामिनी अपने घर में अकेली है। उसे जे की याद आई, वो उसके बार में गई, उससे छिप कर देखा और फिर वापस बिना बात किए चली आई। वो जान चुकी है कि जे अब उससे दूर जा चुका है। इधर उमंग और समारा कपूर का संभोग उफान पर है। समारा की गर्लफ्रेंड ऐना कॉल भी करती है, पर समारा को इस समय फुर्सत नहीं है। सिद्धि मेहर से बात कर रही है कि वो राइटिंग का कोर्स शुरू करने वाली है। ये बातें वीडियो कॉलिंग पर हो रही है, पर बात करते करते सिद्धि रोने लगती है। उसने फ़ोन काट दिया। स्नेहा आकर उसे कंसोल करती है। स्नेहा कहती है कि अगर 25 साल की उम्र में हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते तो हम सब गौतम बुद्ध बन जाते। सिद्धि और स्नेहा मिलकर स्पेशल डिश बना रहे हैं। इतने में यहाँ राजन आ गया। सिद्धि बताती है कि उसी ने राजन को इनवाइट किया था। जब तीनों साथ में डिनर कर रहे हैं तब सिद्धि कहती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली है, कॉमेडी राइटिंग का कोर्स करेगी, पर वो ये चाहती है कि स्नेहा और राजन आपस में शादी कर लें। पर स्नेहा और राजन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि अब ये अपनी लाइफ सिंगल ही गुजारना चाहते हैं। योगी बाबा का बुलडोजर आज ये के बार पर चल रहा है। जे और अंजना इसे रोकना चाहते हैं। अंजना कहती है कि ये बार लीगल है, पर बुलडोजर नहीं रुका, उसने जे का बार डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ दामिनी भी आती है। बाद में जे और दामिनी मिले हैं। जे कहता है कि अब वो गोवा जा रहा है, अपने होम टाउन, वो एक नई शुरुआत करेगा। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, गुड बाय वाला हग। उमंग के फादर आज अचानक से अपनी बेटी से मिलने आए हैं। उमंग उनको देख कर रोने लगी। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मिस्टर सिंह कहते हैं कि उन्होंने इन दिनों उमंग को बहुत मिस किया। अंजना अब अकेले रह गई है। वो वरुण को याद करती है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जिससे वो हंस मैथुन कर लेती है। इस समय भी वो वही कर रही है। सिद्धि अपना मेल चेक करती है जिसमें उसे एक्सेप्टेंस मिल गया है न्यूयॉर्क से। इतने में मेहर उसे कॉल करता है। वो बताता है कि इस समय वो मुंबई एयरपोर्ट पर है और वो वापस जा रहा है। सिद्धि को ये रियलाइज़ होता है कि वो मेहर से प्यार करती है, उसी से शादी करेगी। वो तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ निकली है। उसने अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया है। एयरपोर्ट पर वो मेहर को प्रपोज करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मेहर बाद में चला गया।
सिद्धि अपने दोस्तों को एयरपोर्ट से बाहर आकर खुशखबरी देती है। आज की रात साल की आखिरी रात है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चारों जे के उसी बार में पहुंचे हैं जो कि अब टूट चुका है। ये उसी जगह है जहां ये चारों हैंग आउट करते थे। सब ने नए साल की अलग अलग प्लानिंग की है। सिद्धि फैब में न्यूयॉर्क चली जाएगी एक साल के लिए। चारों ड्रिंक लेते हुए चेयर्स करते हैं और आपस में सेल्फीज खींचते हैं। इसी नोट पर ये सीरीज़ यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।